हेलो गाइस, वेलकम टू FOL फुल ऑफ लाइफ। हम अभी इस टाइम दिल्ली में हैं, 1 बज रहा है एंड हम मनाली के लिए निकले हैं। दिल्ली में हल्का सा ट्रैफिक है। हमने रास्ता चूज किया है करनाल बाईपास वाला। सब कुछ क्लियर है, नो फॉग। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये रास्ता है अंदर से, सिंगो बॉर्डर बंद था तो जैसे जैसे हमें मैप ने दिखाया हम वैसे वैसे अंदर आए। प्रॉपर रोड्स बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। शिव मंदिर वाली रोड है, वहां से अंदर मुड़े, देन 100 मीटर में कुछ लेफ्ट राइट था। फिर अब ये एक जानकी कलान रोड है, हल्का सा ट्रकों का क्या सीधे ना, ट्रकों का थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रैफिक मिल सकता है। दिल्ली से मनाली जो ये ट्रिप है, अब मैं आपको थोड़ी सी, अभी हम मंडी पहुंचे हैं दोपहर के, अभी 3 बजने वाले हैं, 2:45 बजे। हम दिल्ली से निकले थे अपने घर से 12:30 के आसपास एंड सिंगू बॉर्डर से होते हुए थोड़ा रास्ते का चक्कर था तो इसलिए मैप वगैरह खोले हुए थे, हमने इसलिए उस टाइम पर ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करी। हम लोग निकले थे वहाँ से सिंगू बॉर्डर से, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से आराम से। बस जैसे जैसे गूगल आपको बताए शिव मंदिर गली और उसके बाद जानती कल्याण से आप सीधा हाईवे को टच कर जाएंगे तब बाहर आएंगे।
वहां से आप सीधा अपना सीधा सीधा चलते रहिए चंडीगढ़, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके बिलासपुर वगैरह जैसे जैसे टच होते जाएंगे। रोड्स बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है। बस अगर आप लेट नाइट निकलते हैं जैसे हम लोग निकले, तो फॉग का आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि फॉग काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट हमें मॉर्निंग 8 o'clock तक फॉग मिली, हम बीच में रुके भी, खाना वाना भी खाया, तो इसलिए हम लेट भी काफी हो गए। और फॉग के अंदर भी हमें 1-1.5 घंटा हमने गाड़ी रोक ली थी साइड में एक जगह, तो बिल्कुल आराम से एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वेदर बहुत अच्छा है अभी, आप देख सकते हैं मंडी में धूप निकली हुई है, हल्की हल्की क्लाउडी वेदर है, एकदम क्लाउड्स होते हैं, कभी धूप निकलती है, बहुत अच्छा वेदर है। अभी तक तो स्नो नहीं दिखी है, आगे देखते हैं। अभी कुल्लू तक पहुंचेंगे, फिर मनाली, फिर हम एक और उसके अंदर देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है, स्नो मिलती है नहीं मिलती, जो भी होगा हम आपको बताएंगे आगे। अभी आप लोग एंजॉय करो मंडी की सीनिक ब्यूटी। छोटा सा पैच आपको यहाँ पे खराब मिल सकता है, यहाँ थोड़ी सी सड़क की दुर्दशा अच्छी नहीं है, अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बट ऐसा नहीं है जैसे बाकी कुछ वीडियोस में मैंने भी देखा था आने से पहले, 4x4 लेके आइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी गाड़ी से आराम से आ सकते हैं, बस गाड़ी ठीक होनी चाहिए। हमारे आगे ऑल्टो चल रही है, काफ़ी छोटी गाड़ी हमने रास्ते में भी देखी थी, यौन से काफ़ी लोग आ रहे हैं, ऑल्टो से आ रहे हैं। बस एक छोटा सा पैच है जो खराब था, अब रोड फिर से प्लेन है, प्लेन एरिया है। बस थोड़ी सी दूर और फिर हम आपको रिवर राफ्टिंग सीनरी दिखाएंगे, आने वाली है वो जगह भी। काटा जा रहा है,
रास्ता बनाने के लिए, और अच्छा खासा ट्रैफिक जाम हो चुका है यहाँ पे। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। हाफ एन आवर हम लोगों को हो चुका है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफी हद तक नीचे कर दिया उसने। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 45 मिनट्स ऑलरेडी हम यहाँ पे खड़े रहे, लेट ऑलरेडी हो चुका है काफी। अब देखते हैं आगे, आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है दूसरी साइड। अच्छा यहाँ से गया है वो, यहाँ से चढ़ाया उसको उन्होंने। फिर रुक दिया हमें, यही वो पहाड़ है जहाँ हम खड़े हैं नीचे, ये टूट रहा था। थोड़ा रास्ता भी उन्होंने साफ किया है ताकि लोग वहाँ निकल सकें। अब फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। ये कभी कभी का जाम है, जरूरी नहीं है आप लोग आए तो आपको भी ऐसा जाम मिले, वो तो चांस की बात है। हम लोग यहाँ से निकले और आज ही उन्होंने वो माउंटेन को कट करने की सोची कि आज ही हम ये काम करें। रोज ये काम थोड़ी होते हैं, तो आप लोग इस ट्रैफिक जाम को देख के घबराइएगा मत, कि ये ऐसा कोई रोज का सीन नहीं है यहाँ। हाँ वो अलग बात है, आपके टाइम पे वो विस्फोट ही करने उड़ाए थे पूरा पहाड़। यहाँ से फिर थोड़ी सी रोड खराब है। ये एक पैच है मंडी के बाद जो आपको खराब मिलेगा, मिट्टी भी काफी है। डॉटर है जो आप सबको डिस्क्राइब कर रही है कितनी मिट्टी है। काफी लंबा जा रहा है, छोटा मोटा नहीं है। अभी इन लोगों को और 10-15 मिनट वेट करना होगा, पहले हमारी साइड की गाड़ियां निकलेंगी तो इन लोगों की चांस आएगी। एंड तक
चलिए गाइस कुल्लू पहुंचते हैं तो मिलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रोड भी ख़राब है, ट्रैफिक है। थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ सीनिक ब्यूटी आएगी तब हम आपको फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। बाय बाय। देख सकते हैं यहाँ पे एक टनल बन रही है, ये कब तक तैयार होगी, उसके बाद काफी आने जाने में लोगों को आसानी रहा करेगी। मनाली एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, बुंतर एयरपोर्ट जिसे आप बोलते हैं। बोर्ड अगर आपको दिख रहा हो, रात भी हो चुकी है, 6 बज रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहा बोर्ड, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, यहाँ तक आ चुके हैं। अब आगे अभी टाइम लगेगा क्योंकि बीच में जहाँ से मंडी के बाद हमने आपको दिखाया था कि वो एक पहाड़ काट रहे थे और नया रास्ता था वो पूरा, वो इतना ज़्यादा ख़राब है, 100 से 150 किलोमीटर तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले फॉग की वजह से लेट हुए, फिर वो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है मनाली के अंदर कि कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, तो टाइम गैप लेके निकलेगा आप लोग अपना। और टनल बहुत सुंदर है जैसे हमने आपको दिखाई थी, अच्छी है, लंबी बनाई हुई है बस, और वहाँ पर फ्रीली आप निकल सकते हो, रोड अच्छी है टनल की। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके बाद भी काफ़ी रोड टूटी हुई है। ये बस कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से 5 मिनट्स पहले थोड़ी सी रोड आपको ठीक मिलना स्टार्ट हुई, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम गैप और खाना पीना जो भी आपका सामान वगैरह आप लेके चलिएगा। अब देखते हैं, 1 घंटा शायद और लगेगा हम पहुंचने में। सो फाइनली हम मनाली पहुंच गए हैं। ये ब्यास रिवर क्रॉसिंग है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, यू टर्न लेके यहाँ से हम निकले हैं, ये अपने हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हमें लगभग 8 बज गए पहुंचते, लेट तो हम हो ही गए थे, फॉग, फिर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है मनाली में।
ये रोड आती है आपकी ब्यास रिवर से, जब आप यू टर्न लेके इस तरफ आएंगे तो एक लाएगा आपके एलियो, और उसके बाद आता है प्रिनी। तो जो हमारा होटल है वो प्रिनी में है। अब यहाँ से वो दिखा रहा है लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर है, देखते कितना अंदर बैठेगा। बट मार्केट है, विस्परिंग इन है, काफ़ी होटल्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। अगर माल रोड से पहले मार्केट एरिया में रुकने का मन हो तो ये है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। फिर से रोड टूटी हुई है, मनाली में कंस्ट्रक्शन बहुत है, रोड्स बहुत टूटी हुई है, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी चीज़ें वगैरह लेके निकलिएगा। टाइम गैप है, टाइम सिर्फ इसी इन्हीं चीज़ों में लग रहा है, बाकी और कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट वगैरह सब है, अगर आपको कोई ऐसा डर नहीं है कोल्ड वगैरह का, आप बाहर आराम से खा सकते हैं। हमने मंडी में एक जगह रुक के खाया था, तो साफ सुथरा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अगर आप आए तो मंडी में हमने खाया था भोजनालय, देवभूमि भोजनालय था, वहाँ पे जो पहाड़ी राजमा जिसे हम बोलते हैं काफी फेमस है, जरूर ट्राई करिएगा। पहुंचते हैं अब हम होटल धीरे धीरे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, चलते चलते। सो फाइनली वी रीच्ड आवर होटल स्टर्लिंग मनाली, काफी अंदर है मेन रोड से, जहाँ से हमने आपको दिखाना स्टार्ट किया था। विस्परिंग वगैरह ब्यास रिवर के उतरते ही आ जाते हैं ब्रिज के, ये थोड़ा सा अंदर है पर आसपास मार्केट है, और इसके बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट है क्लब महिंद्रा। अब हम अपने रूम तक जा रहे हैं, देखते हैं कैसा व्यू होगा, कैसा है रूम। ये थोड़ा सा व्यू है इस होटल के स्टार्टिंग का, बाकी अब हम जैसे जैसे मनाली को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो बने रहिए हमारे संग, स्टे ट्यून्ड विद अस, FOL फुल ऑफ लाइफ, गुड नाइट। ये थोड़ा सा जब तक कैमरा चल रहा है तब तक आप व्यू देख सकते हैं। सो कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।